चलिए आपको बताते हैं कि आखिर रानी पद्मावती का इतिहास क्या था। सबसे पहले रानी पद्मावती का नाम रानी पद्मिनी कहा जाता है। उनका जन्म स्थान सिंघाला था। माता का नाम चंपावती, पिता का नाम गंधर्व सेना, पति का नाम राजा रावल रतन सिंह। मृत्यु 1303 चित्तौड़ में हुई। रानी पद्मावती राजा गंधर्व और रानी चंपावती की बेटी थी, जो कि सिंघल कबीले में रहा करती थी। पद्मावती बहुत सुंदर राजकुमारी थी, जिनकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक थे। पद्मावती कविता में कवि ने उनकी सुंदरता को बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया है। पद्मावती के लिए उनके पिता ने एक स्वयंवर आयोजित किया था, जिसमें देश के सभी हिंदू राजा राजपूतों को आमंत्रण भेजा गया। रावल रतन सिंह ने मलकान सिंह को इस स्वयंवर में हरा दिया और रानी पद्मावती से विवाह कर लिया। रावल रतन सिंह सिसोदिया राजवंश के थे। वे एक बहादुर और महान योद्धा थे। रावल रतन अपनी पत्नी पद्मावती से अत्यधिक प्रेम किया करते थे। राजा बहुत अच्छे शासक थे। वो अपनी प्रजा से बहुत प्यार करते थे। उनके राज्य में एक बहुत अच्छा गायक राघव चेतक था, लेकिन गायकी के अलावा राघव को काला जादू भी आता था, जो बात किसी को नहीं पता थी। राघव ने अपनी इस प्रतिभा का इस्तेमाल अपने ही राजा के खिलाफ करना चाहा और एक दिन रंगे हाथों पकड़ा भी गया। राजा को जब ये बात पता चली तो उन्होंने उनको सजा दी। राघव चेतन ने राजा के खिलाफ बगावत कर दी। राघव चेतक अपने इस अपमान के बाद दिल्ली की ओर बढ़ा, ताकि वो दिल्ली के सुल्तान के साथ हाथ मिला सके और चित्तौड़ पर हमला करा सके। राघव सुल्तान को बताता है कि वो एक गद्दार है, साथ ही वो वहां की रानी पद्मावती की सुंदरता का बखान कुछ इस तरीके से करता रहा कि अलाउद्दीन खिलजी उसकी बात सुनकर भी उत्तेजना से भर जाए और चित्तौड़ पर हमले का विचार कर ले। अलाउद्दीन खिलजी सोचता है कि इतनी सुंदर रानी को उसके हरम की सुंदरता बढ़ानी चाहिए। पद्मावती की सुंदरता को सुन अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ में चढ़ाई शुरू कर देता है। वहां पहुंचकर अलाउद्दीन खिलजी देखता है कि चित्तौड़ में सुरक्षा व्यवस्था बेहद पुख्ता है। वो निराश हो जाता है, लेकिन पद्मावती को देखने की उसकी चाह बढ़ती जाती है, जिस वजह से वो रावल रतन सिंह को एक संदेश भेजता है और बोलता है कि अगर रानी पद्मावती को एक बहन की हैसियत से मिलना चाहे तो क्या उसे मिलने देगा। अलाउद्दीन खिलजी एक बहुत ताकतवर शासक था और रतन सिंह ये जानता था कि उसको कोई ना नहीं बोल सकता। अपने राज्य को बचाने के लिए रतन सिंह ने रानी पद्मावती के एक देदार के लिए हां भर दी। रानी पद्मावती अपने राजा की बात मान लेती है, लेकिन उनकी भी एक शर्त होती है कि सुल्तान उन्हें सीधे नहीं देख सकता, बल्कि वे उनका आईने में प्रतिबिंब देख सकता है। अलाउद्दीन खिलजी उनकी इस बात को मान जाते हैं। उन दोनों का एक निश्चित समय किया जाता है, जिसकी तैयारी की जाती है। खिलजी अपने सबसे ताकतवर सैनिकों के साथ किले में जाता है और किले के गुप्त रूप को देख रेख भी करता है। अलाउद्दीन खिलजी पद्मावती को आईने में देखकर मदहोश हो जाता है और निश्चय कर लेता है कि वो उनको पाकर रहेगा। अपने शिविर में लौटते समय रतन सिंह उनके साथ आते हैं। खिलजी इस मौके का फायदा उठाकर रतन सिंह को अगवा कर लेता है। वो पद्मावती और उनके राज्य में राजा के बदले रानी पद्मावती को मांग लेता है। संगारा चौहान, राजपूत जनरल गौरा और बादल ने अपने राजा को बचाने के लिए सुल्तान से युद्ध करने का फैसला करते हैं। पद्मावती के साथ मिलकर दोनों सेनापति एक योजना बनाते हैं। इस योजना के तहत वो सुल्तान को संदेश भिजवाते हैं कि रानी पद्मावती उनके पास आने को तैयार है। अगले दिन सुबह 150 पालकी खिलजी के शिविर की ओर पलायन करती है, जहां राजा रतन सिंह को रखा गया है। उससे पहले पालकी रुक जाती है। खिलजी के सभी सैनिक और रतन सिंह जब ये देखते हैं कि चित्तौड़ से पालकी आ रही है, तो उन्हें लगता है कि वे अपने साथ रानी पद्मावती को लेकर आए हैं। सबको आश्चर्य में डालते हुए इन पालकियों से रानी या उनकी दासी नहीं, बल्कि रतन सिंह की सेना के जवान निकलते हैं, जो जल्दी से रतन सिंह को छुड़ाकर खिलजी के घोड़ों से चित्तौड़गढ़ की ओर भाग जाते हैं। गोरा युद्ध में पराक्रम के साथ लड़ता है, लेकिन शहीद हो जाता है, जबकि बादल राजा को सही सलामत किले में वापस लाने में सफल होता है। अपनी हार के बाद खिलजी क्रोध में आ जाता है और अपनी सेना से चित्तौड़ पर चढ़ाई करने का फैसला करता है। अलाउद्दीन खिलजी की सेना रतन सिंह के किले को तोड़ने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो सफल नहीं हो पाती, जिसके बाद अलाउद्दीन अपनी सेना को किले को घेर कर रखने की बोलता है।
घेराबंदी के लिए एक और ताकतवर सेना को खड़ा किया जाता है। लगातार कई दिनों तक वे घेराबंदी किए खड़े रहते हैं, जिससे धीरे धीरे किले के अंदर खाने की कमी हो जाती है। अंत में रतन सिंह ने अपनी सेना को आदेश दिया कि किले का दरवाजा खोल दिया जाए और दुश्मनों से मरते दम तक लड़ाई की जाए। रतन सिंह के इस फैसले के बाद रानी हताश हो जाती है। उन्हें लगता है कि खिलजी की विशाल सेना के सामने उनके राजा की हार हो जाएगी और उसे विजयी सेना खिलजी के साथ जाना पड़ेगा। इसलिए पद्मावती निश्चय करती है कि वो जौहर कर लेंगी। 26 अगस्त सन 1303 में पद्मावती भी जौहर के लिए तैयार हो जाती हैं और आग में कूदकर अपनी पवित्रता का होने का प्रमाण देती हैं। किले की महिलाओं के मरने के बाद वहां के पुरुषों के पास लड़ने की कोई वजह नहीं होती है। उनके पास दो रास्ते होते हैं, या वे दुश्मनों के सामने हार मान लें या मरते दम तक लड़ते रहें। अलाउद्दीन खिलजी की जीत होती है। वो चित्तौड़ के किले में प्रवेश करता है, लेकिन उसे वहां सिर्फ मृत शरीर, राख और हड्डियां मिलती हैं।